यहाँ पर आप लोगों का जो कुछ क्वेश्चन बाकी था उसी का सॉल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का, वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या वेरीफाई करना है? तो 1 और 2 वो क्या है आपका, जीरोज है px का। यहाँ पर px क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू रखेंगे। पहले P1 मतलब पॉलीनोमियल एट x इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, यानी ये क्या हो गया आपका, जीरोज हो गया। दूसरा बारी है P2 का, तो यहाँ होगा आपको 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0। तो देख रहे हैं हम लोग कि P polynomial at x is equal to 1 भी 0 आ रहा है और polynomial at x is equal to 2 ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, therefore 1 and 2 are the zeros of px। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछा गया है वो है आपको यहाँ पर कि वेरीफाई इसको भी करना है कि 4 इज अ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x माइनस 4, मतलब इसका जीरो कौन है, तो 4 है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, x के बदले 4 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीनोमियल एट x इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 0, यानी कि x इज इक्वल टू 4 इज अ जीरो ऑफ px is equal to x minus 4। ये हो गया आपका solution। Next question आपका है कि x cube plus ax square plus bx, ax square bx plus 6, इसका x minus 2 क्या है, तो factor है और आपको और अगर हम इसको x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको रिमाइंडर देता है 3। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है आर एस अग्रवाल बुक का, क्वेश्चन नंबर है 19, इसी का सॉल्यूशन है ये। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ये कोई पॉलीनोमियल दिया हुआ है जिसमें कि x माइनस 2 जो है क्या है, उसका फैक्टर है, और x माइनस 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं उसी पॉलीनोमियल को, मतलब इसको, तो रिमाइंडर कितना बचता है मेरा, 3 बचता है। तो बोल रहा है यहाँ से आपको a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम, तो x माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है, तो यानी कि सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, तो x माइनस 2 क्या है, इज अ फैक्टर। यहां से हम देखें अगर तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू क्या मिलेगा यहां से, 2। ध्यान दीजिए यहां पर ये फैक्टर इसका है, तो फैक्टर है, फैक्टर करने का मतलब अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं इस पॉलीनोमियल में तो इसका आंसर क्या होगा आपको, 0 होगा, यानी कि देयरफॉर p2 इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दीजिए, यहां होगा 2 का क्यूब a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 6 14 प्लस 4a प्लस 2b इक्वल टू 0, इन सब में हम कॉमन ले लें अगर 2 तो क्या मिलेगा, 7 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, मतलब 7 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 बाई 2, डिवीजन में आएगा यानी इतना इक्वल टू 0, यानी यहाँ से b का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, ये दोनों उस तरफ चल जाएगा तो माइनस 7 माइनस 2a, तो b इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस 7 माइनस 2a, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब बोल रहा है अगर हम इसको x माइनस 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो हम लोग देखते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3, मतलब जो पॉलीनोमियल होगा, पॉलीनोमियल एट x इज इक्वल टू 3, अगर हम पॉलीनोमियल में x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आंसर मेरा कितना आना चाहिए था, 3 ही। तो जितना रिमाइंडर बोलता है उतना ही रिमाइंडर मिलेगा हमको, ये कौन सा थ्योरम कहता था, तो रिमाइंडर थ्योरम, और ये आपको फैक्टर थ्योरम कहता था।
तो चलते हैं हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, तो 3 का क्यूब a इंटू 3 का स्क्वायर b इंटू 3 प्लस 6 इतना इज इक्वल टू 3। 3 का क्यूब हो गया आपका 27, 9a प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 3। 27 प्लस 6 33 प्लस 9a प्लस 3, b का वैल्यू होगा माइनस 7 माइनस 2a इज इक्वल टू 3। 33 प्लस 9a 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21 यहाँ हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 3। 9a माइनस 6a 3a 33 माइनस 21 इज इक्वल टू 12 इतना इक्वल टू 3, मतलब 3a इक्वल टू 3 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 9। तो 3a इज इक्वल टू माइनस 9 हुआ, मतलब a इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 3 एंड a का वैल्यू क्या होगा मेरा माइनस 3। अब हम लोग b निकालना है, तो b में हम पुट करते हैं a का वैल्यू कितना आ गया था, तो माइनस 3 यानी कि माइनस 7 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपको माइनस 4। मतलब क्या मिला हमको यहाँ पर आंसर, a इज इक्वल टू माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1 बाई 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 22 बाई 2 आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, प्रूव दैट इक्वल टू, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि x माइनस 2 और x माइनस 1 बाई 2 दोनों के दोनों फैक्टर हैं किनके, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r के। आपको शो करना है कि p और r सेम होगा, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले x माइनस 2 के लिए और x माइनस 2 इतना इज इक्वल टू 0 करते हम लोग, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 2। अब देखिए क्या कह रहा है, ये फैक्टर है, फैक्टर करने का मतलब अगर हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करते हैं इसमें तो आंसर क्या मिलेगा मेरा 0 आएगा। बार बार मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, अगर कोई भी वैल्यू x का मिलता है किसी पॉलीनोमियल का और वो उसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब उसका आंसर 0 हो जाए, तो उसका फैक्टर बन जाता है, यानी क्या मिलेगा हमको पी टू, पुट करते हैं p इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस r इतना इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। यहां से हम r का वैल्यू इलिमिनेट करते हैं, r हो जाएगा मेरा माइनस 10 माइनस 4p, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब बारी किसके लिए है, माइनस 1 बाई 2, तो x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 बाई 2, पुट करते हैं हम लोग p इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर 5 इंटू 1 बाई 2 प्लस r बराबर 0 है, तो p इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 यहाँ हो जाएगा आपको 5 बाई 2 और r का वैल्यू मिला मेरा माइनस 10 माइनस 4p इतना इक्वल टू 0, यानी p बाई 4 प्लस 5 बाई 2 माइनस 10 माइनस 4p इतना इक्वल टू 0। आप इन दोनों को एक साथ लीजिए, तो p बाई 4 माइनस 4p इक्वल टू, ये दोनों उधर चले जाएंगे, यानी 10 माइनस 5 बाई 2। इसको हम लोग सॉल्व करें, एलसीएम हो गया आपको 4, यहाँ p 4 इंटू 4 16 इतना इज इक्वल टू एलसीएम यहाँ 2 इन दोनों का, यहाँ होगा 20 यहाँ माइनस 5, पी माइनस 16p तो माइनस 15p बाई 4, 20 माइनस 15 बाई 2, 15 से 15 कट गया 2 से 2 कट गया, मतलब माइनस पी बाई 2 इज इक्वल टू 1, मतलब p इज इक्वल टू क्या हो गया आपको माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो r बराबर क्या मिलेगा, तो माइनस 10 माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 10 प्लस 8 कितना हो गया,
माइनस टू, यानी पी बराबर भी माइनस टू और आर बराबर भी माइनस टू। इसका मतलब क्या निकला, तो आर इज इक्वल टू पी, और दोनों का वैल्यू क्यों हुआ है, तो दोनों का वैल्यू क्या रह गया यहाँ पर, माइनस टू रह गया है, इसलिए आर और पी दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोला विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x का पावर 4, यह आपका क्वेश्चन नंबर है 23। 2x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय माइनस 6 माइनस 2 है, माइनस टू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। बोल रहा है कि बिना डिवाइड किए हुए आपको शो करना है कि ये इससे डिविजिबल हो जाएगा, तो यानी कि ये मेरा क्या है, तो ये हो गया मेरा पी एक्स, ये होगा जी एक्स। बोल रहा है बिना डिविजन के हमको शो करना है कि ये इसका फैक्टर है या इसको डिवाइड कर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जाएंगे फैक्टर थ्योरम के पास। उससे पहले देखें यहाँ पर तो x स्क्वायर है यानी डिग्री 2, मतलब x का कितना वैल्यू मिलेगा हमको, यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू है आपको x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसको फैक्टराइज कीजिए आप लोग, तो होगा x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स प्लस टू, x x माइनस टू माइनस वन कॉमन, x माइनस टू x माइनस टू x माइनस वन इतना इज इक्वल टू जीरो, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो x इज इक्वल टू टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इज इक्वल टू वन, मतलब x का वैल्यू कौन कौन मिला, तो टू मिला और वन मिला। अब हम एक एक करके रख के देखते हैं, तो पहले रखते हैं टी टू, मतलब पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू टू, ये होगा आपका टू इंटू टू का पावर फोर माइनस फाइव इंटू टू का क्यूब प्लस टू इंटू टू स्क्वायर माइनस टू माइनस टू, टू का पावर फोर यानी सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जाए थर्टी टू, टू का क्यूब एट, एट इंटू माइनस फाइव माइनस फोर्टी, टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू टू एट और माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, थर्टी टू प्लस एट आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको यहाँ पर माइनस टू नहीं, यहाँ पर प्लस टू दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लस टू हो गया, थर्टी टू प्लस एट फोर्टी और प्लस टू फोर्टी टू, माइनस फोर्टी माइनस टू माइनस फोर्टी टू, कट के क्या हो गया आपको जीरो हो गया, यानी कि एक्स इज इक्वल टू टू मेरा क्या है, तो फैक्टर है या जीरो। अब बारी है एक्स इज इक्वल टू वन पर, यानी ये हो गया पी वन, मतलब पॉलीनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू वन, टू इंटू वन का पावर फोर माइनस फाइव इंटू वन का क्यूब, टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, वन का पावर फोर यानी वन, वन इंटू टू टू, यहाँ हो जाएगा माइनस फाइव, यहाँ हो जाएगा टू माइनस वन प्लस टू, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स, यानी कितना हो गया आपको जीरो। देख रहे हैं दोनों ही केस में पॉलीनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ गया है, मतलब ये दोनों क्या है, इसका फैक्टर है और ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए इसको सॉल्व किए। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, जो कि आपका मंडे से शुरू होगा।